हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सतनाम टेक में। तो दोस्तों, आज हम ड्रीम 11 टीम लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आज श्रीलंका और पाकिस्तान की वुमेंस की थर्ड ODI लेके आए हैं, जिसके अंदर से इन दोनों टीम के बीच में 3 ODI होने थे, जिसके अंदर से पाकिस्तान 2 एकदम काफ़ी आसानी से जीत चुका है और जो श्रीलंका है वो उसके काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से हार चुका है। तो इन दोनों टीम्स के आज प्लेइंग 11 डिस्कस करते हैं और आपको ड्रीम 11 टीम भी दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं इन दोनों टीम्स की। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, ये जो नियर अबाउट 11 प्लेयर हमने दिखाए हैं, पाकिस्तान ने दोनों ही ODI में इनमें से कोई भी चेंज नहीं किया है जहाँ से देखा जा सकता है। नाहिद खान, मुनीब अली, ये दोनों ओपनर हैं। उसके बाद जवेरिया खान और बिस्मा मरूफ पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं और काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। जैसे कि देखा जा सकता है, उन्होंने फर्स्ट मैच में 19 रन बनाए थे और 3 विकेट्स लिए थे, और सेकेंड मैच में 89 रन बनाए थे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। यहाँ से सदीरा अमीन, लीदादार, सानामीर, मिथालिया, सदीरा नवाज़, ये इनके विकेट कीपर हैं, दिनिया बेग और नसारा संधू इनके बॉलर हैं। तो जहाँ तक देखा जा सकता है दोस्तों, अगर हम देखें सदीरा अमीन के रिकॉर्ड जो काफ़ी ख़राब रहा है, जहाँ तक देखा जा सकता है सदीरा अमीन ने फर्स्ट मैच में 0 बनाए थे और सेकंड मैच में 2 बनाए थे, और इसके पहले भी जो नवंबर और अक्टूबर सीरीज़ हुई थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसके ऊपर भी तीनों मैचों में उन्होंने 10th का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए थे। दोस्तों, अगर आप टीम बना रहे तो उसमें सदीरा अमीन को मत लीजिएगा, ज़रूर सदीरा अमीन को मत लीजिएगा और सदीरा नवाज़ को भी मत लीजिएगा। सदीरा नवाज़ का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी लो आता है, 7th 8th पे आता है, और पाकिस्तान की टीम बैटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से उनका नंबर आ ही नहीं पाता है, और आता भी तो उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं श्रीलंका की प्लेइंग 11। श्रीलंका की प्लेइंग 11 में निपुनी है, अट्टापट्टू है, दिलीना है, श्रीलंका है, चिमिरा है, रिबिका है, हसीना है, अमा है, श्रीपाली है, इनोका है, और सुगंधिका कुमारी है। जो पिछली बार सुगंधिका कुमारी आई थी, ये अचिनिका की जगह पे आई थी, और ये दिविनिका दिलारी आई थी की जगह पे चमीरा को खिलाया गया था। तो चमीरा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, और पिछले मैच में उन्होंने शायद 24 रन्स भी बनाए थे जो काफ़ी अच्छे थे। पिछले मैच में 30 का आंकड़ा कोई क्रॉस नहीं कर पाया था, तो 24 रन्स काफ़ी अच्छे थे, और कविशिका दिलारी ऑलराउंडर थी पर उनको बाहर कर दिया गया है। तो इनमें से भी कोई चेंज नहीं हो सकता है, श्रीलंका की ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है दोस्तों। तो चलो चलते हैं दोस्तों ड्रीम 11 टीम की तरफ, और दिखाते हैं आपको अभी ड्रीम 11 टीम जो हमने बना रखी है। तो दोस्तों, ये ड्रीम 11 टीम की तरफ आ चुके हैं। ड्रीम 11 टीम में अब जो हमारी टीम है, विकेट कीपर यहाँ पे सदीरा नवाज और रबिका, जैसे कि आपको बता चुका हूँ पहले, सदीरा नवाज हम नहीं लेंगे, रबिका ही लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का पहले ही बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है तो उनकी बैटिंग ही नहीं आ पाती है, और रबिका हर मैच में देखा जाए तो 10-20 रन बना ही देती हैं, जिसके हमको अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं और स्टंपिंग के पीछे भी पॉइंट मिल जाते हैं, और उनकी बैटिंग ज़रूर आती है। दोनों मैच में देखा जाए तो उनकी बैटिंग आई है। रबिका के साथ में जाएंगे यहाँ से। बैट्समैन में देखा जाए तो जवेरा खान, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने फर्स्ट मैच में 130 रन बनाए थे, सेकंड मैच में 16 रन बनाए, पर देखा जाए तो उन्होंने 130 रन बनाए थे, और वो बॉलिंग भी कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं। देखिए 88% लोगों ने ले रखा है, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ से नाहिदा खान को लेंगे हम, जो पाकिस्तान की प्लेयर हैं जो ओपनिंग करती हैं, फर्स्ट मैच में 13 और सेकेंड मैच में 29 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं किया था। और यहाँ पर मुनीब अली को लिया है हमने, और यहाँ से निपुनिका को लिया, जो निपुनिका श्रीलंका की ओपनिंग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको, अगर आप ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे मुनीब अली की जगह पे आप महमूद को ट्राई कर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान ये जीत ही चुका है, पर अगर पाकिस्तान कुछ ट्राई ज़रूर करेगा तो मुनीब अली की जगह फरीक मोहम्मद को ट्राई ज़रूर कर सकता है। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो इन्हें ज़रूर अपनी टीम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं, चमीरा अट्टापट्टू को हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि उनकी टीम से ऑलमोस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर हैं रही हैं और विकेट भी ले लेती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं उनका पिछले मैच का रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा था, चमीरा ने विकेट भी लिए थे
फर्स्ट मैच में 46 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे, और सेकंड मैच में 24 रन बनाए थे। तो बॉलिंग भी कर लेते हैं अच्छी, बैटिंग भी कर लेते हैं। और बिस्मा मरूफ तो आप जानते ही हैं, बिस्मा मरूफ कैप्टन 89 रन बनाए थे पिछले मैच में, और उसके पहले 3 विकेट्स भी लिए थे और रन भी बनाए थे। और नदीरा दार ये तो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, फर्स्ट मैच में 34 रन और 1 विकेट था उनके आराम पे, सेकंड मैच में 38 रन और 2 विकेट था। उसी तरह हम देखते हैं अभी साइना मीर भी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, हम देख सकते हैं साइना मीर में दोनों मैच में 27 रन बनाया और 2 विकेट्स लिए थे फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में 4 विकेट लिए थे। तो जिन्होंने उनको सेकंड मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया था उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। यहाँ पर साइना मीर और एमा कंचना के साथ गया हूँ मैं, यहाँ पे सिरिपली लिया है हमने। सिरिपली काफ़ी अच्छी बॉलर हैं जहाँ तक देखा जाए श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिरिपली उन्होंने विकेट ज़रूर लिए। अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, देना बेग के साथ जा सकते हैं, और देना बेग के साथ यहाँ पे इनोका भी जा सकते हैं। ये कन्फर्म खेलने वाली हैं, हर बार 1-2 विकेट ज़रूर लेके आती हैं, पर ये मैंने अपनी टीम में नहीं लिया, आप ये भी ले सकते हैं, देना बेग भी ले सकते हैं। और सुगंधा कुमारी अभी न्यू हैं, अभी 18 मैच ही खेले हैं, हर मैच में एक आधा विकेट ही ले पाती हैं, अगर आप चाहें तो उसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों इधर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो एक टीम में ज़रूर फराक महमूद को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुनीब अली की तरफ, अगर कोई चांस टीम में चेंज होता है तो यही चेंज होगा। चलिए दोस्तों अभी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दिखा देते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन हम यहाँ पर रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कैप्टन रखा है बिस्मा मरूफ को, और वाइस कैप्टन रखा है मेरा अट्टापट्टू को। बिस्मा मरूफ काफ़ी अच्छे रन बना लेते हैं, अगर देखा है तो 50+ रन भी बना लेते हैं और 1-2 विकेट भी निकाल ही लेते हैं। और चुमेरा अट्टापट्टू वाइस कैप्टन इसलिए रखा है क्योंकि उनके जो रन्स हैं वो नियर अबाउट 20-40 के रेंज में आते हैं और विकेट वो भी 1-2 निकाल लेते हैं। तो कैप्टन आप ऐसे रखेगा जो ज़्यादा रन ज़्यादा विकेट ले पाए, ठीक है। नदीरा दार को भी आप बना सकते हैं वाइस कैप्टन, और अगर ट्राई करना चाहेंगे तो फरीका महमूद को भी आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और आप और कोई ट्राई करना चाहेंगे तो यहाँ पर नदीरा दार को आप कैप्टन ज़रूर बना सकते हैं एक बार, और यहाँ पर साना मीर को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। कैप्टन की यहाँ पर चॉइसेस आपको एक बार फिर दिखा दूँ मैं, साना मीर, विश्वा मरूफ, चिरमा अट्टापट्टा, नदीरा दार, और इनमें से आप किसी को भी वाइस कैप्टन और कैप्टन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको एक बार हालाप्ले की भी टीम दिखा देता हूँ मेरी, जो मैंने बना के रखी है। हालाप्ले की टीम में आप देख सकते हैं पहले बैट्समैन जवीरा खान, नाहिदा खान, ये दोनों काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। और यहाँ पर दिलीना मेंदू, ये श्रीलंका की तरफ से बैट्समैन है और ये इसे हमने लिया है अपनी टीम में। जैसे कि आप देखते हैं इनका परफॉर्मेंस, पहले मैच में 30 रन थे, सेकंड मैच में 5 रन थे, पर देखा जाए तो उनका रिकॉर्ड अच्छा है। हर पिछले वेस्ट इंडीज़ सीरीज में देखा जाए तो 40-30 रन ये बना ही लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। बॉलिंग में जाते हैं यहाँ पर, तो बॉलिंग में हमने एमा कंचना को लिया है, सिरिपली को लिया है, यहाँ पे निदादार को लिया। निदादार ऑलराउंडर है पर यहाँ पे हालाप्ले में बॉलिंग में दी गई है, तो निदादार आप ज़रूर लेनी है। और यहाँ पे इनोका को लिया है, आप सिंधु को भी ले सकते हैं, पर मेरे ख्याल से इनोका काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो हम इनोका के साथ जाएंगे। ऑलराउंडर में सेम चिमेरा अट्टापट्टू, जिसमें मिरूफ और साना मीर, यहाँ पर आप चिमेरा को भी ले सकते हैं, पर वो 37 एज की हो चुके हैं तो बॉलिंग में अभी इतना इफेक्ट नहीं रहा है, तो आप चमेरा के साथ भी जा सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर नहीं कहूँगा कि आप इसके साथ जाइए। और यहाँ पे रेबिका का सेम, तो आप देखते हैं रेबिका के साथ में जाइए, अगर आप कोई कैप्टन ग्रैंड लीग टीम खेल रहे हैं तो आप इन तीनों में से किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, तीनों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। और बॉलर्स में देखा जाए तो आप किसके साथ जाएंगे, इधर देर को कैप्टन बना सकते हैं, वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और यहाँ से हमने 3 ही प्लेयर लिए हैं क्योंकि बॉलर काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए आप साइना मीर को भी आप ट्राई कर, साइना मीर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, साइना मीर काफ़ी ही अच्छी प्लेयर है। देखा जाए पिछले मैच का रिकॉर्ड दिखा दूं आपको तो आप खुद देखेंगे साइना मीर का रिकॉर्ड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 27 रन बनाए थे, पहले मैच में 2 विकेट लिए थे, और साइना मीर ने सेकंड मैच में 4 विकेट और 27 रन, आप सोचिए कितने पॉइंट बन चुके होंगे। तो आपको कैप्टन की दिखाऊँ, कैप्टन तो आप यहाँ पर साइना मीर को बना सकते हैं, बिस्मा मरूफ को बना सकते हैं, अट्टापट्टू को ना, तीनों ही ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस से बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और जो बचता है उसके बाद नजादार को बना सकते हैं और जवीरा खान को बना सकते हैं, ये पांचों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे, इसमें से आप शफल करके किसको बना सकते हैं और ग्रैंड लीग टीम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।